कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब यहां स्पष्ट किया है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो युद्ध कर ले। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण मान, यानी वो तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, यानी गीता ज्ञान दाता का आदेश मान के युद्ध किया। युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ। युधिष्ठिर को राज्य गद्दी मिल गई, पांडवों को राज्य मिल गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने लगे। ऐसी भयंकर आकृतियां दिखाई दे जैसे सिर कटे हों व्यक्तियों के, और घर में प्रवेश कर रहे हैं, हाहाकार मची है। युधिष्ठिर को नींद आनी समाप्त होगी, भूख भी गई, आंखें फटी फटी सी रहती हैं। तो सभी चिंतित हुए, चारों पांडवों को पता चला वो भी चिंतित हुए, और पांडवों का और यादों के गुरुजी जो थे वो श्री कृष्ण जी थे, आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के पास ये पांडव पहले गए थे। अब जहाँ ये स्टोरी छोड़ी है कि श्री कृष्ण जी के पास पांडव पहुँच गए जब उनके पैर में तीर लग गया था, अंतिम सांस गिने थे, यहाँ एक पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए ये बैकग्राउंड फिर सुनानी पड़ेगी आपको, कथा सुनानी। पुण्यात्माओं परमात्मा की कथा ये भाग्या वालों को मिला करती है। एक बच्चा अपने रोजगार के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए, जिसने बीए करनी है 14 वर्ष लगातार पढ़ता है, एमए करता है यानी मास्टर करता है बनता है, चाहे बीए करे चाहे बीकॉम करे या और एमबीबीएस करे कुछ भी करे, तो वो लगभग 16 वर्ष तक 17 वर्ष तक उस पेट के लिए इतने मोटे मोटे एक पुस्तकें 6-6 7-7 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल दिन रात उनको स्टडी करता है, तब दो रोटी का रोजगार का की आशा बनती है, मिला कि ना मिला तो बाद की बात है। और हमने भगवान पाणा आत्म कल्याण करवाना, इसके लिए तो हमने इन कथाओं को रह रह कर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यहाँ से पार नहीं होते तब तक आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का मूल उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करना ही होता है, और जब परीक्षाएं भी होती हैं तो आप जी जो भक्ति कर रहे हो इसके लिए ये कोर्स, ये ट्रेनिंग, ये सब्जेक्ट, ये सिलेबस आपने पूरा करना पड़ेगा, ये सुनना चाहिए। इससे आपके आत्मा में बहुत कुछ शक्ति होती है, चार्ज होती है आपकी आत्मा इस कथाओं से, तो इसलिए बैकग्राउंड यहाँ सुनानी पड़ रही है। तो जब युधिष्ठिर जी के ऊपर ये प्रेत आत्माएं हैवी होगी, जो युद्ध में मानस मारे थे वो पाप उनके सिर पर बोलन लग गया, तब युधिष्ठिर को का बुरा हाल हो गया। वो गए श्री कृष्ण जी के पास द्वारका में, श्री कृष्ण जी को सब कथा बताई कि भैया को ऐसे ऐसे ये स्वप्न आ रहे हैं, ये घबराए रहते हैं, आंखें खुली खुली रहती हैं, जैसे कोई आपत्ति इनके ऊपर आने वाली है, इस तरह डर रहे हैं। तो कारण और समाधान बताइए प्रभु, पांडवों ने कहा, यानी चारुआ ने कहा, भीम नकुल सहदेव अर्जुन ने, श्री कृष्ण जी ने कहा भी तुमने जो महाभारत में पाप करे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं, जो महाभारत के युद्ध में तुमसे जो हत्याएं हुई हैं, हिंसा हुई हैं, वो दुख वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा है, इसका समाधान है एक अश्वमेघ यज्ञ करो। अश्वमेघ यज्ञ में आपने पूरी पृथ्वी के
सभी साधु संत भक्तों को बुलाना है, पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सबको भोजन कराने के लिए न्योता देना है, सभी ब्राह्मणों ऋषियों भक्तों को बुलाना है, और वहां पर एक पांच मुंह का पंचमुखी एक शंख रखा जाएगा, अलग से सुसज्जित स्टेज बनाकर एक आसन उसका अलग रख दिया जाएगा, उसके ऊपर एक शंख रखा जाएगा। आपने देखे होंगे ना ये मंदिरा बजा कर एक ऐसे लंबे लंबे गोल गोल से शंख होते हैं, वो किसी जीव होता है समुद्र में, उस समुद्र का उस जीव का कवर होता है, ऊपर की बॉडी होती है, अंदर वो जीव होता है, वो मर जाता है तो उसको निकाल लेते हैं, उसमें थोड़ा सुराख कर फूंक मारते हैं, हवा से वो गूंज करता है। लेकिन ऐसा वो शंख, ऐसे पांच मुंह एक ही शंख का हो, ऐसा पंचमुखी शंख, और बगैर फूंक मारे, बगैर किसी आदमी के हैंडल किए, वो अपने आप आवाज करेगा, अलग रखा। और वो कब आवाज करेगा? जब सभी भक्त संत ऋषि महर्षि और स्वर्ग लोक के देवता भी बुलाने हैं, वो भी भोजन करेंगे, तो सब भोजन खा लेंगे, तब वो शंख बजेगा, और शंख अपने आप आवाज करेगा बहुत जोर की। शंख ने आवाज कर दी सबके भोजन करने के उपरांत, तो समझ लेना कि तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगी और तेरे भैया के तुम्हारे संकट दूर होंगे, कर्म कटेगा, यो तुम्हारे पाप कटेंगे, अन्यथा नहीं। अब उसमें ये अंडरस्टूड था कि इतना कुछ लोग बुलाने हैं, उनको खाना खिलाना है, तो लाखों करोड़ों का खर्च होना था। अब अर्जुन को वो बातें याद थी जो तुरंत गीता में बता रखी थी कि तू ऐसे युद्ध कर ले तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो निमित मात्र है और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये तुमने मार रखे हैं, मैं काल हूं। अब अर्जुन के मन में धक्का लग गया कि गीता जी का ज्ञान देते समय, युद्ध करवाते के लिए तो भगवान ने कहा था तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, और आज भगवान कह रहे हैं वो पाप तुम्हें लगेंगे। अब अर्जुन के मन में तो आई ये बात कि भगवान ने पूछते लूँ कि उस दिन तो आप के कह रहे थे भाई आपको पाप नहीं लगेंगे, राज कह रहे हो ये बंदूक हाथ का पाप तुम्हें लग गया, पर उस समय वो चुप हो गया इस उद्देश्य से कि यदि मैं अब वाद विवाद करूंगा श्री कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय क्या बताया था मुझे कि तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, राज आप कह रहे हो पाप लग गए, तो भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा मन में कि ये खर्च करना नहीं चाहते मेरे इलाज पर, ये मेरा ट्रीटमेंट करवा कर इसलिए प्रसन्न नहीं है कि खर्चा घना हो रहा है, और इसलिए वाद विवाद कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन ने सोचा जय भाई के मन में यह बात घर करगी, ये मर जाएगा, इलाज नहीं कराओगा, ये नहीं कराएगा ये ट्रीटमेंट, ये समाधान, ये यज्ञ नहीं करेगा, ये इतना नेक आत्मा है। तो इस बात को दृष्टिकोण मध्य नजर रख के अर्जुन चुप हो गया, छाती में मुक्का मार लिया एक देसी लैंग्वेज में, यानी सब संतुष्ट हुआ, सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, अब नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कांटा सा खटकता रहा उसका ये बात का। और करबद्ध होकर सभी पांडवों ने, चारों पांडवों ने कहा प्रभु आप जैसा आपका आदेश हो, आप समय रख दो उस यज्ञ का, वो धर्म भंडारा करना था यज्ञ, और स्थान बता दो। श्री कृष्ण जी ने समय और स्थान दिनांक निर्धारित कर दिया, सभी देश विदेश के सभी वो सभी साधु संत भक्त ऋषि मंडलेश्वर सब बुला लिए, कहते हैं 33 ऊपर स्वर्ग लोक के देवता भी 33 करोड़ थे, वो भी आ गए, 88,000 ऋषि दुर्वासा के से भी वहां आ गए, वशिष्ठ मुनि जैसे
विश्वामित्र जैसे, मार्कंडेय जैसे और लोमस ऋषि जैसे, जो सभी वहां पर नौ नाथ 84 सिद्ध सारे आ गए। उधर से भीम की जो ड्यूटी लगा रखी थी वो किसी विशेष क्षेत्र में थी, और उसमें ये बनारस भी आता था। बनारस से की तरफ न्योता देने का कार्य भीम को दे रखा था। एक सुदर्शन नाम के भगत थे, जो कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान के सत नाम के उपासक थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस कहते हैं परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। वो एक एक नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित संतों ने मेरे गुणगान किए और इस सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और मैंने भी आकर चारों युगों के अंदर यही सतमार्ग बताया। लेकिन ये भोले व्यक्ति हमारे इस तत्व ज्ञान सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती लालों को छोड़कर आन उपासना रूपी कंकरों को डलों को इकट्ठा कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अपने उस नियम के आधार से परमात्मा उस समय करुणा में नाम से द्वापर में प्रगट थे, और सुदर्शन जी वो वाल्मीकि परिवार में जन्म था, वाल्मीकि परिवार में, लेकिन वो सत भक्ति परमात्मा कबीर जी यानी करुणा में नाम से आए हुए प्रभु से बताए मार्ग की कर रहे थे, सतनाम की साधना करते थे और तत्व ज्ञान से परिचित थे। जब भीम जी उधर संदेशा देते हुए और सुदर्शन भक्त की कुटिया पर पहुंचे, झोंपड़ी पर गए, तो सुदर्शन जी से भीम ने कहा कि भगवान, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और आप जी को आमंत्रित करने आया हूं। हमने एक यज्ञ करनी है भगवान श्री कृष्ण जी के सानिध्य में, और आप जी को आमंत्रित किया है, करने आया हूं, हमारे यज्ञ में आइएगा। तब सुदर्शन जी को पता था कि इन्होंने कैसा जुल्म किया है, लाखों 18 करोड़ आदमियों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, राजी राजा बनकर सुख भोग रहे हैं, इनका तो नरक में ठिकाना होगा। कहते हैं साध वही होता है जो कड़वी कड़वी कहे, साची कहे। परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावे सोए। जो मीठा बोल कर दुनिया ने लला रहा है वो कहता वो संत नहीं होता, और जो कति सच्ची सच्ची का खरी खरी सुनाओ भाई, गलती करे उन्हें धमका दे, संत कहा वह सोए। तो सुदर्शन जी कहने लगे, रे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खावेगा वो भी नरक में जाओगा, और भाई ऐसी गलती सुदर्शन को नहीं करे, तुमने लाखों बहन विधवा कर दी, वह तो रो रही हैं अपने कर्म अपने पतियों को, उनके बच्चे बिलख रहे हैं माँ माँ करके, पिता कब आवेंगे, फौज से कब आएंगे, और तुम मस्ती मार रहे हो, तुम्हारे तक कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे, तुम कहे कि राज इस राज ने पाके और खुश हुए फिरते हो। अभी कहते तो स्टार्ट है तुम्हारा, ये जो आपत्ति तुम पर आई स्टार्ट है, ये तो अभी आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे अन्न को हम नहीं खाएंगे। अगर मुझे ले चलना है तो ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दे, संकल्प कर तब मैं तुम्हारे टूक तोड़ूं जब रोटी खाऊंगा, नहीं तो मैं नरक में नहीं जाना चाहता। भीम भी पूरा गर्म मिजाज का पहलवान आदमी था,
वो गुस्सा मान गया इस बात का कि ये एक दो कौड़ी का आदमी हमारे को कहता कीड़े पड़ेंगे नरक में जाएंगे, तू कहता बाबा जी जबान संभाल कर बात करना, मुझे मेरे भैया युधिष्ठिर और कृष्ण जी का भगवान का मुझे डरना होता तो तेरी टीटी भी दाब दूं मैं तुझे समाप्त कर देता। तो बोल कैसे रहा है, आना हो तो आना ना मत आइए, क्या तेरे बगैर हमारा यज्ञ नहीं पूर्ण होगा। और भाई उधर से ने बोला एक का मारूं था गदा दस मरे थे, युद्ध जीता है को वैसे थोड़ा जीत लिया, अपनी ताकत से जीता है, ये है राज्य प्राप्त किया। अब साधु संत फिर गणे ना बोला करते, बोले को नहीं अपने सुदर्शन जी तो मौन साध गए कि भी इसमें काल बोल रहा है, अन्यू कहेगा भीम चला गया। अब उधर से क्या हुआ, वो निर्धारित समय आ गया, सारे 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि ओए और भाई सभी आ गए। अब सभी ने भोजन खा लिया, सभी ने आहार कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर जी चिंतित हुए और श्री कृष्ण जी के पास आए। श्री कृष्ण जी के पास आके युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान हमने बहुत पाप कर रखा है, शंख बजा नहीं, हमारी यज्ञ आपके विधान अनुसार पूर्ण नहीं हुई। तो श्री कृष्ण जी ने कहा भाई शंख तो बजेगा पर इस शंख को बजाने वाला अभी आया नहीं है इस मंडप में। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान अब कौन है, ये ऐसे मंडलेश्वर रहे, इन्होंने खाना खा लिया सबने, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप में आगे वहां पर भोजन कर लिया, और आप जी ने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया, तो प्रभु अब कौन है जो और रह गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक महापुरुष है इधर बनारस साइड में, तो उसको नहीं आमंत्रित किया, तो उन्होंने सभी ने कहा कि भीम की ड्यूटी थी उस साइड की आमंत्रित करने की, न्योता देने की, उनसे पूछते हैं, भीम को बुलाया। तो भीम ने से पूछा श्री कृष्ण जी ने और युधिष्ठिर जी ने कि भाई तुम आप गए थे उधर एक सुदर्शन नाम के सुपच वाल्मीकि, यानी सुपच कहते हैं जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं या शेड्यूल कास्ट बोल देते हैं, और उसमें जाति वाल्मीक में उनका जन्म था शेड्यूल कास्ट में, इसलिए सुपच बोलते थे। तो सुदर्शन जी नहीं आए क्या, क्या कारण है, आपने संदेशा नहीं दिया। भीम ने कहा जी संदेशा तो मैंने दिया था पर वो तो कुबोल आदमी है, वो तो बहुत बुंडा बोला मेरे तो। क्या कहा भाई, श्री कृष्ण जी ने बोला भाई क्या बोला वो, कि वो ऐसे ऐसे बोला कि तुम तो घोर अपराधी आदमी हो, तुम्हारे तो कीड़े पड़ेंगे और तुम्हारे अन्न को वो खावेगा जिसने नरक में जाना हो, इतना पाप इकट्ठा कर रखा तुमने। तो अब श्री कृष्ण जी को पता था यू भी घाटना गाली होगी कि उनके बकवास जिसने भी करी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आप क्या बोले, कि मैं न्यू बोला जय मन श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का डरना होता तो तने घट दूँ हमें बाबा जी, और बोलिए मत फालतू मत बोलना, और आना होता जी ना बेसिक मत आइए, तेरे बिना कि हमारी यज्ञ पूर्ण ना होगी, आप जो हमारे साथ हैं श्री कृष्ण जी से कहने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि भाई ठीक है न्योता तेरा देना फर्ज था, उन्होंने क्या कमेंट्स करे वो भी सुनना तेरा फर्ज था, संतों के साथ ऐसे बकवाद नहीं करा करते, और तने तो और पाप कमा लिए, और उस संत के एक बाल के समान भी ये तीन लोग नहीं है, वो इतनी शक्ति भक्ति शक्ति युक्त प्राण भक्त है, और जब तक वो नहीं आलेगा थारा शंख नहीं बाजे थारी और दुर्गति गणी होगी, क्योंकि संत के आत्मा दुखा दी तुमने। अब कहते मरता के नहीं करता, कांपन लग गया उस पहलवान कह था अपने आप ने, ने बोला जी श्री कृष्ण कहने लगे मेरे साथ चलो उसके चरणा में गिरो पांचों के पांचों।
और भीम ने बताया कि उन्होंने कहा कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, जैसी तुम आज यज्ञ कर रहे हो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ पहले कर रखी है, उसका संकल्प करो पुण्य मुझे, तब मैं चलूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे चलो उस संत को बुला के लाते हैं, मैं भी साथ चलता हूँ सारे के लिए। पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान रथ ले गए, चल पड़े। अब पहुंच गए वहां, 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया और कहने लगा भाई रथ रथवान ने कि तुम्हारे पीछे पीछे आंख लाइए इसने, हम आगे आगे चलते। अब जब जो उधर से क्या हुआ कि उस सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणा में उर्फ कबीर जी को कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे वो पांडव आया था भीम और ये बात होगी मेरी, उसकी ये वार्ता हुई, मैंने ये सुना दी। भगवान बोले भाई सही कहा था ना, सच्ची कह दी, बिल्कुल सच कही बेटा, घबरात बहुत अच्छा किया। अब परमात्मा कबीर जी ने बता दिया था, यानी करुणामय जी ने बता दिया था सुदर्शन जी को कि अभी नहीं वह फेराओगे, कि उनका संख तो बजना नहीं, वह सारे ड्रामेबाज इकट्ठे हो रहे ऋषि में, ऋषि नकली, उनकी भक्ति ठीक होने, वह किसके यज्ञ पूर्ण करेंगे, किसको सुख देंगे, वह फिर आऊँगे तेरे आगे हाथ जोड़न बेटा, और यह अपने तो काम बनेगा इनका। अब सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन ने, वह फिर आवेंगे, फिर माथा चाटेंगे और इस नरक में जाना पड़ गया भोजन पाने, तो वह बातें बिगड़ेगी, मेरी तो भक्ति नाश होगी। ये सोच के अपना कुटिया छोड़ कर चला गया भ्रमण पर, महीना 2 महीना 6 महीने के लिए। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की टेक भगवान रखता है, कबीर परमात्मा जी की ये लीला है। सुदर्शन रूप बनाकर कबीर परमेश्वर जी सुदर्शन जी के कुटिया में बैठ गए। उधर से वो पांचों पांडव छठे श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकी विष्णु जी अवतार सतोगुण भगवान कृष्ण जी वहाँ पहुँच गए, नंगे पैरां जूते धर दिए रथ में और नंगे पैरां चल रहे हैं। पुणात्मा जहाँ से भी वो चले थे, यानी दिल्ली से चले थे और चाहे वो रथ में गए हैं और चाहे वो पैदल जहाँ पैदल सफ़र किया, वो सारे ही गिने जाते हैं वहाँ से लेकर वहाँ तक का जो समय स्थान कदम, वो सारे ही गिने जाते हैं। वहाँ तो नंगे पैर इसलिए जा रहे थे कि संत के मन में न्यून आ जाए कि आज भी अंडी पाक का है मेरे पास, रथ में बैठ कर वरना करो के घोड़ा पर, तो संत थोड़ी थोड़ी बातों का जायजा लिया करते हैं, इसकी ये कहाँ इसका सत्र है, ये कितना इसमें भगवान की भक्ति है। अब एक तो आदमी आवे है संत से मिलने के लिए, नो को तो इसी दाम उठाएं, और एक भगत आवेगा गुरु जी से दर्शन करने के लिए, 3 बजे दंडवत करेगा 20 फुट के अंदर अंदर, तो ये पता चलता है इसमें कितनी भगवान की भक्ति समा चुकी है। क्योंकि जिसमें जितनी भक्ति भक्ति की कमाई का जो कीमत बढ़ती चली जाएगी, दबाव बनेगा, उतना ही प्राणी विनम्र हुआ करता है। जैसे सरसों होती है ना, सरसों जब तक इस फली में दाने नहीं होते, कच्ची सरसों होती है, फली भी होती है उसके, तो वो यूँ खड़ी रहती है ऊपर को, और जो जो उसमें दाने बनते चले जाते हैं उसकी कीमत बन जाती है, वो कीमती हो जाती है, बहुमूल्य बनती जाती है, तो वो इतनी वजनदार हो जाती है कि वो फलियां नीचे को चुभ जाती हैं। और जब तक वो ऐसे खड़ी है वो एक अन्य की कोई ना डांगर खाया कर उन्हें। तो ऐसे ही जिन भक्तों के अंदर, चाहे पूर्व जन्म की है या इस जन्म में जो सत साधना कर रहे हैं, उस कारण से जितनी भी भक्ति घनी बढ़गी उसमें नम्रता घनी होया करे, और जब तक नम्रता नहीं आओगी भगत में, भगवान निकट नहीं आता। ठीक है, वर्क डन, आपने जैसा किया वो अवश्य मिलता रहेगा। परमात्मा पाने के लिए लास्ट में ये फाइनल होता है मैच, कि उस समय इस भगत के जब यहाँ से मोक्ष होने का टाइम, यानी जब ये समझ लो उसके लक्षण हो गए, जिसमें आदिनी गणी हो जा, और आदिनी नहीं है तो वो फिर भगत नहीं है। तो परमात्मा
श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसमें बहुत विनम्रता थी, इसलिए सतोगुण प्रधान बनाए गए थे। तो उन्होंने पहले से ये सोच लिया था, नीचे उतर लो भाई, संत के सामने ऐसे नहीं जाया जाएगा। और जूते निकाल कर रथ में रख दिया, आगे हाथ करबद्ध होकर के पांचों चल पड़े, छठों छाऊ के छाऊ। जब श्री कृष्ण जी ऐसे हैं तो उनके साथी अनुतापा होना था, पीछे आ रहे थे। आगे भगवान बैठे हैं, वहां जाते ही श्री कृष्ण जी एकदम दंडवत प्रणाम किया। अब उन सब ने किया, वो पहलवान ने भी किया। फिर जब श्री कृष्ण, और फिर कहते मरता के नहीं करता, तो इतना विनम्र किए बिना भगवान सहारा नहीं देता। तो श्री कृष्ण जी को भगवान खड़े हुए सुदर्शन रूप में और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, हे त्रिलोकीनाथ, इस गरीब के द्वार पर आज कैसे आए? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो भगवान? मुझे क्यों शर्मिंदा करते हो? मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आप तो राजा हो, महाराजा हो, आप तो भगवान हो। इस तरह कह के उनको उठाया। तो श्री कृष्ण जी ने प्रार्थना की, भगवान हम आपके पास एक अर्ज लेकर आए हैं, ये पांचों पांडव हैं, मैं श्री कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ, और हमने इन्होंने एक यज्ञ किया है, प्रभु आप बिना वो विफल है, आप इनकी यज्ञ में कृपा करो, वहाँ चलिएगा, पधारिएगा। तो सुदर्शन ही कहूँ मैं यहाँ, क्योंकि सुदर्शन कोई क्रेडिट दिया था परमात्मा ने। तो सुदर्शन कहने लगे, सुदर्शन जी ने कहा कि मैंने इस भक्त को, वो पहलवान की तरफ इशारा किया, भीम की तरफ, इसके सामने कंडीशन रखी थी, वह कंडीशन पूरी करो मेरी तो मैं चलूँगा। क्या कंडीशन थी? कि 100 अश्वमेघ 100 यज्ञ जो तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ चलूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी ही वाणी है, आप ही का आदेश है। कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आए हैं, और चारों युगों में इन्होंने इस अमृत वाणी को बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चारों युगों में बोली, अपने यथार्थ ज्ञान को। तो उस वाणी के वहाँ श्री कृष्ण जी ने बोलकर सुनाया कि आप ही की वाणी है कि संत विलड़ कुंचा लिए तज मायाभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। ए परमात्मा, हम आप अंतर्यामी हैं, हम में देख सकते हो, आज ये पांचों पांडव और ये कृष्ण, इनका तो काम अड़ रहा है, इनमें तो करड़ ईब कति नहीं, अभिमान नहीं है, और आप मुझे जानते हो, मैं हमारे अंदर इतना कोई दोष पहले ही नहीं था। संत मिलन को चा लिए तज माया अभिमान, और जो भी कदम फिर आगे को रखे, संत मिलने के लिए जो कदम रख रहे हो, एक कदम, एक स्टेप कहते हैं, एक यज्ञ समान। तो वहां से लेकर यहां तक, दिल्ली से लेकर और बनारस तक, काशी तक, जितने भी कदम हैं, ये आपकी कर, आप ही के आदेश अनुसार हम आपको मिलने आए हैं, हमारे यज्ञ होंगे, इनमें से 100 आप रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। इतना आधीनी वचन सुनकर कहते हैं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। तो इसलिए परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, यही देखना चाहते थे, जब तक इतने विनम्र हम नहीं बोलेंगे, हमारे काम ना सरें, इनसे हमने हर तरह से सोचना है, हर तरह से अपने इस इन उदाहरणों से, इन गाइडलाइंस के आधार पर हमने अपने भक्ति जीवन को सुचारू करना है, भगवान का लाभ लेने के लिए कैसी कैसी प्रक्रिया हमने अपनानी है, वह सारी करनी पड़ेंगी। तो परमात्मा बोले, वह चल ठीक है, चलते हैं। और कहने लगे भीम, ते पहलवान उस दिन के डींग मारा था, तो क्या डींग मार रहा था कि मैं एक का मारूं था, 10 मरे थे, ताकत है तो जीता युद्ध। उस दिन तो जिस तालाब में नहाकर आया था, उस दिन सवेरे स्नान किया था उसने, भीम ने, कहते जिस तालाब में तू स्नान करके आया था, तेरे पैर भी ना टिके थे जमीन, जमीन पर इतना जल था उसमें। हाँ जी, वो बताऊँ क्या है? क्या है वो कुंभकर्ण? क्या ये ऊपर का कटोरा है सिर का, या खोपड़ी बोलना है?
इस शरीर का, इस सिर के ऊपर एक ये अलग से एक हिस्सा है। ये डॉक्टर देखे हुए हैं, कई बार इसको बिल्कुल उतार देते हैं, अलग से या खोपड़ी सी न्यारी कवर सा है, टोपी सी या इतनी अलग उतर जाती है। कहते हैं यो उस कुंभकर्ण का यो खोपड़ा पड़ा था यहाँ पर आके, ये बंदर घसीट लाए थे उड़ते, और यो पड़ा इसमें, और यो खोपड़ा जो पड़ा है ना इसमें पानी भरा वर्षा का, तेरे पाँव बिना टेके तो क्या गा पहलवानों के सामने, तेरे तो बड़े बड़े बलवान होकर चले गए नालायक, तू भक्ति बिना क्या बुनियाद है तेरी। यानी ये समझाना चाहो थे, भीम ने सोचा रे तेरा गजब हो, उसकी खोपड़ी मेरा पाँव बिना टेके थे वो कितना तगड़ा बलवान व्यक्ति होगा, कितनी ताकतवर होगा। तो परमात्मा ने पहले तो उसकी वह फड़क का डीक दे, तो अभिमान में अपने बड़ा किसी भांगे ताकतवर ना मान रहे हो। उसके बाद फिर परमात्मा कबीर देव यानी सुदर्शन जी रूप में विराजमान ने कहा कि भीम जी ये मेरी सुमरनी देना उठाकर, सुमरनी या माला वह खुट्टी का टंगरी थी। अब भीम गया उठाने के लिए, बिल्कुल उंगली के हिसाब से न उठाना चाहता था, वह उंगली तो फेल पूरा सा पूरा दोनों हाथ ला लिए, वह सुमरनी टस से मस नहीं हुई, जाम कर दिया। अब खिसियाना सा होकर परमात्मा बोले रे पहलवान तूने क्या था मैं ये कर दूं, आर्या जो ना तो तेरे पैया माला ना उतरी, पसीनम पसीना होगा, एक लोखड़ा होगा। परमात्मा ने ऐसे किया था न वैसे ही वो अपने आप उठ कर माला खुट्टी परते उस मालिक के हाथ में आ गई। अब ये दिखाना था उनको कि मैं भाई नरा सुपत सुदर्शन ना समझा। अब उनका दिल डटना था कि यो भगत भी सही है पाओगा जब इतनी इतनी पावर भी रखता है, तो उनके मन में यह बात फिट होगी भाई महात्मा बनेगी बात इस तरह कुछ, तो ये मन में आई। लेकर आगे पांचों पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण और साथ में भगवान परम शक्ति खुद सुदर्शन रूप में, और उनकी वेशभूषा के थी गोड्या तक की तो धोती, घुटनों से थोड़ी नीचे तक डबल लंगड़ की, और टूटे टूटे से जूते, छोटी थोड़ी दाढ़ी बढ़री, ऊपर बाल ओले बोले पड़े जैसे मैले कुचले से कपड़े फटे पुराने से। अब वहाँ देखा तो उसमें वो 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि वो तो सिंगरे बैठे नो कति नहा धोकर नौकर कर मुछा वर दाढ़ी दूढ़ी वर नौकर कर त्यार बांधे बैठे, और आसन न्यारे न्यारे ला रखे उनके बढ़िया चादर बिछा बिछा के। और वो पहुँचे जब तो सभी अपने कपड़ों को मुँह में देख कर हंस रहे हैं कि देखो ये लाए हैं ढूंढ के संत, ये बजाएगा इनका शंख। और वो क्या कह रहे हैं वो संत ऋषि महर्षि बैठे थे दुर्वासा कैसे कि इनके पाप गणे हैं भाई, इनका शंख बजे को नहीं कोई कितने तारी है। तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना दे फटाफट, इस महात्मा के आहार करने से तुम्हारा शंख बजेगा। अब कहते हैं द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया कि कहीं कमी ना रहे जा संत की सेवा में। एक डेढ़ घंटे तक नहरे नहरे पकवान बनाए, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा पूरी मंडे रोटी यानी और भी कई प्रकार की आइटम है नहरे नहरे बनाए, दही तो बनाए तो उसने न्योथे भी साधु संत है यो घास फूस खानी आदमी, और आज खाओगा नाना प्रकार के व्यंजन, उंगली चाटता रहेगा द्रौपदी के गुण गाओगा, 20 जगह कहेगा पर द्रौपदी जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता। और एक विशेष बात होती है जो बहन कोई मेहमान आ जाता है, बहन बेटियां ये कोशिश करती हैं कि खाने वाला मेरे भोजन को बिसरा ना दे, न्यू ना कह दे कि उस बहन ने नमक ना डाला या मिर्च थोड़ी थी आनंद नहीं आया, तो हर संभव कोशिश की जाती है कि अच्छा भोजन बना, ये स्वाभाविक भी होता है होना भी चाहिए। तो इस उद्देश्य से उसने तो भोजन बनाया था न्यू, संत खा कर प्रसन्न हो जाएगा न्यारे न्यारे व्यंजन स्वादिष्ट भोजन को,
अब वहां लाकर रख दिए अलग अलग कटोरिया में। अब उसने जितना खाना था सुदर्शन रूप में परमात्मा ने, सभी में से थोड़ा थोड़ा डाल लिया, इकट्ठा कर लिया, रोटी भी तोड़ के पूरी भी तोड़ के वहीं घेर लिया, रूह को नू मिला लिया, खीर भी हलवा भी दाल भी मिर्च भी सब कुछ कर लिया इकट्ठा। अब द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी। अब द्रौपदी ने सोचा कि यो रहा शूद्र का शूद्र, इन्हें खान का बेरा ना पीण का बेरा बता, ये क्या के शंख बजाओगा गलीज, यानी एक मिनट सेकंड में कई उलाने दे दिए मन मन में। अब वो तो अंतर्यामी थे, अकिया के बकवाद कर रही है मेरे बारे में, अब क्या बताया। उसने एक बार ऐसे 5 ग्रास यानी जैसे नू खाया कर, पहला ग्रास खाया, शंख ने आवाज करी, अपने आप अलग रखा था। दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार करी, यानी 5 बार में वो सारा जितना थाली में डाला था वो ग्रास 5 बार में खा लिया, और 5 ही बार शंख ने आवाज करी, शंख बोलिया बजा। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान बनगी बात, दया होगी आपकी, बज गया शंख। श्री कृष्ण कहने लगे नहीं भाई, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, तब सम होगी यज्ञ पूर्ण तुम्हारी। अब युधिष्ठिर बैठ गया कलेजा पकड़ के, नहीं बोले भगवान अब कौन बुलाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा भी कोई बुलाना नहीं पड़ाई, अपने घर में दोष है उसको देखांगे। अब इस सुदर्शन से आगे कोई भक्त नहीं पृथ्वी पर, अपने घर में कोई गलती है जिस कारण से। कहते हैं सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसा मोजनी पावता तेरी चूक चाकरी माँ। तो हमारी सेवा में कोई गड़बड़ रहेगी। द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने और पूछा बहन साची बताना, जब ये महात्मा भोजन खावा था तेरे मन में कोई दोष आया? कहाँ जी दोष आएगा, और मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि इस मन ने 1 घंटे तक धूमे माइक फुड़वाई, नारे नारे आइटम बनाए, मैं एक दलिया बना के अंदर दूँ डांगर आ गए, नहीं सोची मैंने, मतलब सारी मन में दोष सोच लिया, और इन्होंने ये सारा इकट्ठा करके खिचड़ी बना दी। मैंने मन में सोची इसने रोटी ना खानी आती, किसका शंख बजाओगा, रह गया सूदर का सूदर ही जंगली आदमी। श्री कृष्ण ने कहा बात, द्रौपदी इस महापुरुष के कि ये तो तेरे पे एहसान किया, तुम्हारे घर रोटी खाना आ गए हो, तुमने एहसान नहीं करती, तो किसी को भोजन बना खिला देते हो, एहसान उसका है जो संत संत भगत तेरे घर पर आ गया खाना खाने के लिए, और अपने घर पर सब 2 रोटी खा कर सोए, तुमने क्या एहसान कर दिया, ये भोजन नारा बना दिया तेरे, और ये अभिमान तेरे अंदर है ना, ये तेरे बाधा बन गया इस क्रिया का, और माफी मांग इस महापुरुष से, चरणा में गिर जा, इसके चरण दो के पीले जतन अपना यो यज्ञ सफल करवाना है। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई बढ़िया चांदी की या जो भी बर्तन था बढ़िया वाला ला के, और लोटे से उस सुदर्शन जी के चरण धोए, चरण दो के वो धूल न्यो की न्यो, क्योंकि और लोटे में उल्टा डाल गया, आधा पी लिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, इसे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया और आधा पिया द्रौपदी ने। तो कहते हैं परमात्मा, कहते हैं भाई, तब वो शंख बजा। परमात्मा की उस सच्ची भक्ति वाले भगत से, यानी सुदर्शन को ही क्रेडिट दिया प्रभु ने, वैसे तो वो स्वयं आए थे उस सुदर्शन रूप में, लेकिन इस भक्ति का निर्णय देने के लिए दास ये सत्संग कर रहा है कि वह भूतों का साया, भूतों का दबाव, प्रेतात्माओं पितरों का जो दबाव आप जी के ऊपर होता है, वो इन भगवानों की भक्ति से वो भी नहीं तुम्हारा दूर हो सकता। उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव था, प्रेतात्माओं का साया था, वो भी उस पूर्ण संत के ही भोजन क्रिया से और आशीर्वाद से वो समाप्त हुआ। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, अर्थात कटे ना तुम्हारे तीनों तापम।
यहाँ पर लाखों लोग आए हैं जो सारे बालाजी पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा लिए थे। और ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है कि भूत भगावा या कोई और, ये तो इस मंत्र की वैसे स्वाभाविक शक्ति है जो मंत्र हम आपको देते हैं भक्ति का, ये आपके कल्याण का है, आत्म कल्याण का है। आत्म कल्याण का है तो आत्मा के ऊपर जो भी किसी प्रकार का दबाव है उसको खत्म ही करना इसका स्वभाव है। चाहे किसी ने श्राप दे रखा हो, चाहे कोई प्रेत आत्मा, चाहे कोई पितर, कोई देवरुष्ट हो, कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर, उस सब को, उस सब अल को हटाएगा, सब उस रोग को समाप्त करता है ये मंत्र ऐटोमेटिकली। हम कोई जाड़ा नहीं बताते, ना कोई जंतर मंत्र करते, केवल इस भक्ति का यो साधना बताते हैं जिससे आपका ये सब तीन ताप भी नष्ट हो जाते हैं, ये कबीर परमेश्वर की भक्ति से। अब इस कथा का अंत करते हैं आज के सत्संग का। अब यहाँ जो यज्ञ के ऊपर एक वाणी है, बाकी इतना समय नहीं रहा क्योंकि समय बहुत हो गया, कबीर जी की महिमा की वाणी गरीबदास साहिब जी ने कही है। 33 करोड़ यज्ञ में आए सैंस 88 सारे, वो द्वादश कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, और ये 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेद को कंठस्थ याद किए हुए फिरते थे, कहते उनसे भी शंख नहीं बजाओ। सुपच एक शेड्यूल कास्ट का जो भगत था वाल्मीकि जाति में, सुदर्शन जी से, वो उससे शंख बजाओ, वो यज्ञ पूर्ण हुआ। 33 करोड़ यज्ञ में आए व सैंस 88 सारे, वो द्वादश कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब वहां आते हैं हम जहां श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा हुआ था, विशाख को तरफ रहे थे, फिर पांचों पांडव वहां पहुंच गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पांचों पांडव तुम मेरे प्रिय हो और मेरे अंतिम वचन सुन लो। तुम पांचों के पांचों, पहले तुम यहां जितने भी सब यादों नष्ट हो गए हैं, इनका अंतिम संस्कार कर दो, यानी फूक फाक दो इन लाशों को। उसके बाद इनको सबको ले जाना, यहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ हैं नहीं, यहाँ पर यहाँ आसपास के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, तुम इनको साथ ले जाना, वहाँ रख लेना। और फिर बताया कि तुम पांचों के तुम सभी पांडव यहाँ से राज्य को त्याग के और हिमालय में जाके अपना जीवन अंत कर दो, वहाँ तप करके मर जाओ, खत्म हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत पाप का दबाव है, तुमने महाभारत में जो युद्ध किया था, इसलिए तुम राज त्याग के हिमालय में तप करके अपने पाप का नाश कर जाना। अब वहां अर्जुन बोला, ने बोला भगवान आप वैसे आज ऐसी स्थिति में है कि मुझे कुछ बोलना आपसे विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु अगर मैं आज आपसे कुछ प्रश्न शंका समाधान नहीं करूंगा तो मेरी मौत भी चैन से नहीं होगी, मेरा शंका रूपी काटा मैंने आजीवन दुखी करेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बोल क्या पूछना चाहता है, मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूँ, तुझे सारी सच्ची सच्ची बताऊंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप युद्ध करवा रहे थे और मैं मना करूँ था, आपने कहा कि तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, तू तो निमित निमित बना रखे है। फिर भाई को ये भयंकर युद्ध के बाद भाई जी को ये सौपन आने लगे, इसके ऊपर ये दबाव हुआ पाप। आपने कहा कि तुमने जो महाभारत में हिंसा की है वो पाप से दुखी कर रहे हैं भगवान, उसमें मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई ये सोच लेता कि ये पैसे लगाने का हमारा वाद विवाद कर रहा है, इसलिए मैं चुप रहा, उसी दिन से ये काटा खटक रहा था। आज आपने वो जख्म फिर करेड़ दिया, मेरा छेड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि आपके ऊपर महाभारत में किए हुए युद्ध इतने पाप हैं कि हिमालय में जाकर गल जाओ, तपस्या करके मर जाओ। तो वो के कहानी थी जब आपने मुझे पाप नहीं लगे, तब श्री कृष्ण ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम मैंने युद्ध में क्या कहा था, उसमें मैंने किया, क्योंकि उसमें बोल श्री कृष्ण में काल बोल रहा था, वो ब्रह्म बोल रहा था, श्री कृष्ण ने वो शब्द नहीं कहे थे, और जो श्री कृष्ण समाधान बता रहे थे उनसे भी वो पाप नाश नहीं हो रहे थे, क्योंकि यादों को कहा था तुम यमुना में स्नान कर लो, स्नान करने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। वो श्राप तो नाश होया नहीं, यादों नाश जरूर हो गए। एक बात विचार करने की है, जो आपको ये बंडावे हैं बहकावे हैं जगह जगह बैठे ठग,
कैसा कर लो वैसा कर लो, गंगा में नहा लो, पिंड भरवा दो, गया जाओ, गया में चले जाओ, फलाना चले जाओ, गंगोत्री में धक्के खाओ, क्या उनसे लाभ हो जाएगा? जब श्री कृष्ण के बताने से कोई समाधान नहीं हुआ, उन्होंने भी तो वो क्रियाएं बताई थी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे नहीं तुम्हारे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा सर्वसृष्टि रचनहार, संकट मोचन कष्ट हरण मंगल कर्ण कबीर, ये वही परमेश्वर हैं जो हम सब के कुल मालिक हैं। हम अपने परमात्मा से विमुख होकर के अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए और यहाँ इस काल भगवान ने जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसने हम सबको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर रखा है। हमारी वृत्ति, हमारी बुद्धि यहीं तक सेट कर रखी है, संतान संपत्ति और अपने रोजगार तक ही हम सीमित हैं। और आत्मा को उसी समय से परमात्मा की तड़फ है जब से ये उससे बिछड़ी है। आत्मा भगवान के बिना नहीं रह सकती, उसकी खोज तलाश इसको असंख्य युगों से बनी हुई है। लेकिन यथार्थ ज्ञान पर दृढ़ ना होने के कारण ये अभी तक काल के जाल में और अज्ञान में फंसी हुई है। इस काल भगवान ने सब ज्ञान जो है अध्यात्म ज्ञान, शास्त्र विधि विरुद्ध, शास्त्र के विपरीत ज्ञान हमारे को अपने दूतों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा हम तक पहुंचा दिया। जो हमारे सदग्रंथ, जिनको हम यथार्थ सदग्रंथ मानते हैं, उन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर के इन काल के दूत संतों, मंडलेश्वरों, ऋषि महर्षियों ने काल प्रेरणा से, ज्योत स्वरूपी निरंजन की प्रेरणा से, सब शास्त्रों के विपरीत दंत कथाएं हमें सुना दी। और उस समय जब ये अज्ञान हमारे अंदर भरा गया, उस समय आम नागरिक जो है वो अशिक्षित था, संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था। और जो ये काल के प्रेरित संत, महर्षि, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, ये संस्कृत भाषा से परिचित थे लेकिन सदग्रंथों को नहीं समझ सके। उन्होंने अपनी अपनी दंत कथाएं सुनाकर हम सभी परमात्मा की प्यासी आत्माओं को भ्रमित कर दिया। वो परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो परमपिता स्वयं आते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म अपनी जानकारी, यथार्थ ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को स्वयं ही बताते हैं। पुण्यात्माओं, हम वेदों को एक विशेष शास्त्र मानते हैं और यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं। और वेदों में परमेश्वर की महिमा यथार्थ रूप में चित्रार्थ की गई है, लेकिन वेदों को समझा नहीं उन अज्ञानियों ने, जिस कारण से वे हमें वेदों में छुपे रहस्यों को नहीं बता पाए। और जो लीला परमात्मा किया करता है वो लीला वेदों में वर्णित है और वो परमात्मा का स्वभाव है, वो गुण है मालिक का, वो वैसी ही लीलाएं, वैसी ही चमत्कार किया करता है जो वेद हमें बताते हैं। वेद क्या बताते हैं? पिछले समागम में आप जी को बताया था
कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, मंत्र नंबर 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96-96 के मंत्र नंबर 16-20 में और भी बहुत स्थानों पर वेद हमें ज्ञान दे रहे हैं कि वो परमात्मा जो एक शिशु रूप धारण करता है एक लीला करने के लिए, मनुष्य के बच्चे का रूप धारण करता है, बालक का, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी कबीर वाणी के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करता है, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है। लेकिन वो होता है परमात्मा सत्य पुरुष, अमर पुरुष, और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है, तीसरे लोक में। प्रथम लोक है ये काल का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम, दूसरा लोक है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड, और तीसरा लोक है सतलोक, जो जिसमें सत्य पुरुष अमर पुरुष रहता है। और सतलोक से ऊपर भी 3 लोक और हैं, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अर्थात अकहलोक। तो वहां परमात्मा सतलोक में और अलखलोक और अगमलोक अनामी लोक में सब जगह साकार रूप में है, एक ही परमात्मा अन्य रूप बनाकर रहता है। और वो परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होता है और एक युग में एक जीवन एक जन साधारण की तरह रहता है। उस आए हुए प्रकट हुए उस जीवन में उनकी लीलाएं जो होती हैं वो वेदों से मेल खाती हैं। तो वो परमात्मा हमें आकर के ज्ञान देते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरा वो बोर नहीं लगता डार। परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, जो विशेष श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनको आकर मिलते हैं, उनको अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं, फिर वो पुण्यात्माएं, वो संत आत्माएं उस परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा वर्णन करते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं कहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जगजुगता ढेल रे। सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उत्तरते की पणवासी, यहाँ की लोकल भाषा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य अस्त होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय में एक सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल पर लहर तारा नामक एक जलाशय है बनारस में काशी शहर में, उसके अंदर विकसित कमल के फूलों पर फूल पर परमात्मा विराजमान हुए एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे, जुलाहा दंपति थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उम्र 60-65 साल की होगी थी। नीरू और नीमा उसी जन्म में
पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, पति पत्नी थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती अपना जल पिलाकर उनके घरों में जल छिड़ककर मुसलमान बना दिया, क्योंकि जो गौरी शंकर था वो भगवान शिव का दृढ़ पुजारी था, निस्वार्थ प्रचार किया करता था और काशी के लोग उनका बहुत सत्कार करते थे। वो पूजा का जो पैसा आता था, जो भी कोई भेंट पूजा आती थी, गौरी शंकर अपने रोजगार जैसा रख के लिए रख लेता था, शेष के भंडारे कर देता था, धर्म में लगाता रहता था। इस प्रकार से उसकी लोग बहुत आदर करते थे और जगह जगह उनकी कथाएं, वो शिव पुराण की कथा किया करता था, जगह जगह वो शिव भगवान की महिमा सुनाया करता था। कहने का भाव है कि हिंदू धर्म का वो काफी प्रचारक था और जिस कारण से दूसरे स्वार्थी ब्राह्मण उस गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग उनकी महिमा गाते थे, उन्हीं के पास जाते थे, उन्हीं को दीक्षिणा देते थे। और जिन ब्राह्मणों का विशेष होल्ड था हिंदू समाज पर, वो उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन जनता के सामने उनकी बात सिरे नहीं लग रही थी। तो मुसलमानों को इस बात का पता चला कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का बहुत प्रचार कर रहा है और अन्य जो मुख्य ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या करते हैं, इसका लाभ उठा लिया। और उनको जबरदस्ती गौरी शंकर और सरस्वती को बाय फोर्स मुसलमान बना दिया। और दूसरे जो ब्राह्मण थे उन्होंने सब जगह ये डंडोरा पिटवा दिया, मुनाजी करवा दी, शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, इसका भाईचारा बंद, इससे कोई हिंदू बात नहीं करेगा ब्राह्मण, और गंगा में स्नान करना बंद, मुसलमान को गंगा में स्नान करने नहीं देते थे। उनका नाम रख दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लग गए, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लग गए। संतान कोई नहीं थी, फिर उनने सोचा भी अभी तक गुजारा जो चल रहा था, हमारा रोजगार जो चल रहा था, पूजा से चलता था, पूजारणी बंद होगी, तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। इसमें ना ज़्यादा कोई खर्चा था व्यवस्था करने में, एक खड्डी खोद कर और दो लक्कड़ गाड़ने होते हैं, तो उन्होंने वो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया और जिस कारण से वो जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हुए। जब उनका नाम बिल्कुल पक चुका था और वो मुसलमान कहलाते थे, नीरू और नीमा नाम से प्रसिद्ध थे, मुसलमान और जुलाहा बने भी उन्हें 30 वर्ष हो गए थे, तो उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और वो कितनी अच्छी आत्मा थी नीरू और नीमा, जो कपड़ा बुनते थे उससे भी कोई पैसा बच जाता था उसको भी धर्म में लगाया करते थे। तो एक दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए, सन संवत 1455 सन 1398 में, प्रतिदिन वो क्या करते थे, गंगा में स्नान नहीं करने देते थे हिंदू लोग, लेकिन वो एक तालाब था लहर तारा तालाब, उनके स्थान से लगभग 3 किलोमीटर दूर, 3-4 किलोमीटर दूरी पर उनकी कुटिया से, और लहर तारा तालाब के अंदर जो जल होता था वो गंगा का ही होता था। गंगा के वहाँ ऐसा घाट बना हुआ था जहाँ पशु पानी पिया करते थे, और वर्षा के दिनों में जब वो बहुत तेज उमड़ कर चलती थी
तो कुछ पानी लहरों के द्वारा उसमें से उछलकर ऊपर के पटरी से उछलकर और वो एक बहुत बड़े जलाशय को भर देता था। उसको लहर तारा तालाब जलाशय कहा करते थे, जोड़ कहा करते। तो उस दिन भी वो उस प्रतिदिन तो वहाँ स्नान करने जाने लग गए वो शुद्ध जल में। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा का उनसे मिलन हुआ, वो सुबह सुबह दोनों पति पत्नी स्नान के लिए वहाँ से चल पड़े अपने घर से। उनको आने में लगभग एक घंटा लगता था, घंटा डेढ़ घंटा लग जाता था एक सफर में। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके, और उसमें महर्षि रामानंद नाम के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ऋषि वो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज माने जाते थे। उसने काशी के अंदर जो अन्य पूजाएं थी, जो पाखंडी लोग ब्राह्मण गुमराह किए हुए थे, उनकी सब की दुकानें बंद करवा दी और स्वयं वहां उसने लगभग 1400 ब्राह्मण ऋषि बना दिए अपने चेले। और वो ब्राह्मण ऋषि जो है उसके शिष्य जगह जगह प्रचार किया करते थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद नाम के एक महर्षि, एक उनके शिष्य, वो भी लहर तारा तालाब पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। और वहाँ प्रतिदिन वो भी जाते रहते थे और वहाँ बैठकर कुछ देर तक परमात्मा की भक्ति करते थे शांत स्थान पर। गर्मी का मौसम था, ज्येष्ठ यानी लगभग जून का महीना था और सोमवार का दिन। तो अष्टानंद ऋषि स्नान करके अपनी साधना जो उनके गुरु महर्षि रामानंद जी ने बता रखी थी उसका अभ्यास करने की चेष्टा कर रहा था, अभ्यास करना करने के लिए बैठा था। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेज प्रकाश पुंज आया, प्रकाश का पुंज यानी समूह गोला, और वो बहुत निकट, जब आसमान से बहुत निकट आ गया तो देखा अष्टानंद ने उसकी आंखें चुंधियागी, वो उसको सहन नहीं कर सका उसके तेज को। जो ही आंखें बंद की तो उसके अंदर से एक छोटा सा शिशु, नवजात शिशु की आकृति दिखाई दी। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश कमल के उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सिमट गया था। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।